नमस्कार, संसार क्रांति की टीम सफीदों में मौजूद है और यहाँ का जो आज कार्यक्रम है पंजाब दीप बैरागी जो है इसका जो कार्यक्रम जन्मोत्सव मनाया गया है, यहाँ पर सांसद राजकुमार सैनी मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाए गए हैं और यही राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष गीतांजलि जी हमारे साथ चर्चा में है। गीतांजलि जी स्वागत है, सबसे पहले संसार क्रांति खास कार्यक्रम में मैं आपके चैनल और आपका स्वागत करती हूँ। और गीतांजलि जी, क्या आप महिला अध्यक्ष बने हैं लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी को लेकर के? अभी यदि हम हरियाणा विधानसभा की बात करते हैं तो महिलाओं के ऊपर मुख्य फोकस यदि करते हैं आप, तो महिलाओं को क्या संदेश और आगामी क्या योजनाएं रहेंगी आपके महिलाओं को लेकर के? इस प्रकार से लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी में यदि हम महिलाओं की बात करते हैं तो क्या योजनाएं रहेंगी? मैं राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष होने के नाते जो भी कार्य है उसे संपूर्ण करने की कोशिश करूंगी और मैं नई नई योजनाएं जो महिलाओं की हैं उनको घरेलू उद्योग में मोटिवेट करूंगी और मैं अपने साथ लूंगी जिससे कि वो भी कंधा से कंधा मिलाकर अपने पुरुषों के साथ चले और अपना घर वो बहुत अच्छे संपूर्ण तरीके से बनाए। मैं उनके लिए छोटे छोटे उद्योग करूंगी जिसके वजह से उनका जो आगे का भविष्य बन सके। और भी मेरे दिमाग में बहुत ऐसी ऐसी योजनाएं हैं जो योजनाएं मैं मेरे हरियाणा वासियों को देना चाहती हूँ। जिस तरीके से है कि जो जिस योग्य होगा जो भी उनका प्रपोजल्स होगा हर गांव में कम से कम एक इंडस्ट्रीज तो जरूर लगाऊंगी जिससे कि जो महिलाएं हैं वो अपने बच्चों का भविष्य बहुत अच्छा बना सके। यही सोच लेकर मैं इस हरियाणा में काम करना एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते शुरू करना जा रही हूँ और मैं सब महिलाओं से प्रार्थना करती हूँ कि वो अपने घर में निकलें और बाहर निकल के मेरा साथ दें। मेरा एक हाथ आपके अनेक हाथ होंगे तो हम ये हरियाणा को जरूर जीत लेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। मुझे अपने पे भी विश्वास है और अपने से ज्यादा मुझे जो विश्वास है वो मेरी वो साथी वो मेरी साथी जो मेरी महिलाएं होंगी वो होंगी। मैं उन्हें अपने दोनों हाथों से वेलकम करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ वो मेरे इस मिशन में मेरा साथ दें और मेरे साथ कंधे से कंधे मिला के चले। धन्यवाद। और मैं इस चैनल का भी बहुत शुक्र करती हूँ और शुक्र गुजार हूँ कि वो हमेशा मेरी बाइट्स लेता है और हमेशा मुझे आशीर्वाद देता है और आपका चैनल और आप अपना आशीर्वाद हमेशा मुझ पे बनाए रखे। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष गीतांजलि जी जो एक महिलाओं के लिए एक अलग से पहचान बनाने का जो वो खूब रूप से काम करेगी और कहते हैं कि कंधे से मिलाकर कंधा मिलाकर के कार्य करूंगी। और ग्राम स्तर पर यदि हम उद्योगों की बात करते हैं तो मुख्य रूप से इनका उद्देश्य रहेगा कि ग्राम स्तर पर जो बेरोजगार महिलाएं हैं उनको रोजगार दिलाना और जो ऐसे राजनीति से भी दूर हैं उनको उजागर करना, उनको मोटिवेट करना मुख्य उद्देश्य रहेगा। तो संसार क्रांति की अधिकारी के लिए संसार क्रांति के साथ जुड़े रहिए। संसार क्रांति के लिए मैं जय भारद्वाज।